हमारा देश एकता और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु के अरियालूर जिले से इसको चरित्रार्थ करती हुई एक घटना सामने आई है। दो दोस्त जो जीते जीतो साथ थे ही, उन्होंने मौत को भी एक साथ गले लगा लिया। अरियालूर के महालिंगम और पी जलाबुद्दीन 40 साल पुराने दोस्त थे। बुधवार दोपहर को दोनों 30 मिनट के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। महालिंगम मंदिर के पुजारी थे और चाय का स्टॉल लगाते थे, वहीं जलाबुद्दीन की चावल की मील थी। दोनों के घर आमने सामने थे और उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। महालिंगम को उच्च रक्तचाप की शिकायत थी। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जलाबुद्दीन पहले से ही भर्ती थे। बाद में दोनों को एक ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शाम करीब 4 बजे जलाबुद्दीन के सीने में तेज दर्द हुआ और वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दोस्त की इस मृत्यु का सदमा महालिंगम बर्दाश्त नहीं कर पाए और 30 मिनट के भीतर ही वो भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मृतकों के परिजनों ने दोनों की दोस्ती को सलाम करते हुए एक बैनर बनवाया है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस बैनर में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये दोस्ती हम कभी न तोड़ेंगे। दोस्ती की मिसाल तोड़ेंगे दम मगर साथ न छोड़ेंगे। इसी तरीके से ये जो दोस्ती की मिसाल है वो चरितार्थ करती हुई ये घटना सामने आई है। भारत टीवी डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।